ठीक है, जैसे हमने देखा अभी 2D कैरेक्टर कैसे डील किया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि सपोज मुझे यहाँ पे चाहे बॉक्स हो, स्क्वायर हो, आपको यहाँ पे जो भी पार्ट है, इस पार्ट को जैसे मैं यहाँ पे सिंपल शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर टाइमिंग कि मैं अगर इस पर काम करने वाला हूँ। ठीक है, एच फॉर हाइट कर दीजिए, मेरा स्पार्ट यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, फोकस आप मैस को कैसे भी डील कर सकते हो, लिटिल में तो वो साथ में नहीं कर दें। ठीक है, कैसे आपको क्या काम करना है। अभी यहाँ पे मैं सिंपल एक लैम्बर्ट देता हूँ, मैंने एक लैम्बर्ट दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम देता हूँ फेस एक्स। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, ये फाइल पे गया, कॉपी कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन के यहाँ पे बस कुछ पार्ट यहाँ पे। ठीक है, जस्ट ये जो एक्सप्रेशन लिया मैंने भाई, ये मैं अपने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पे अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पे फेसियल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मिल जाएगा फेस एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन विद नेम। आप सर्च करके निकालोगे कि आपको कैसे एक्सप्रेशन देने, ठीक है, किस टाइप से आपको एक्सप्रेशन देने, तो कैसे चीज़ को मैनेज करके दिखा दूँगा। अभी हम लोग का जो बेसिक फंडा है कि हम लोग 3D में 2D कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे ये फेस एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं चेंज कर रहा पे। ठीक है, तो ये चेंज हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले काम सेलेक्ट करो इसे। ठीक है, और मॉडलिंग पे चले गए, यूवी एडिटर पे चले गए यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लिया सिंपल सा पार्ट, यूवीज को सेलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने कहा चलो इधर आ जाओ। ठीक है, और फॉर स्केल मैं स्केल कर सकता हूँ, मैनेज करना है मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। देखो देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैंने यहाँ पे नहीं होगा। अभी ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर दिया, मैं बस दो ग्रिड के अंदर ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी करना है क्या, अगर मैं देखो मेरा मेन फंडा क्या है कि ये जो पार्ट है इसको मैं इधर से इधर चेंज करूँ, तो हम लोग इसको एनिमेट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैं अगर मैं इसे एनिमेट कर दूँगा तो मेरे पास मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ ढूंढेंगे कहाँ से, तो सबसे पहले काम हाइपर शेड, एडिट में गए, डिलीट अनयूज्ड नोड्स, जो भी अनयूज्ड नोड्स है उसको हटा दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड ग्राफ नेटवर्क किए। देखो ग्राफ नेटवर्क पे आओगे तो आपके यहाँ पे मिलेगा ये पूरा ऊपर पार्ट है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक्सचर है, यहाँ पे प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, इसको आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, जैसे कोई ऑफसेट दिख रहा है यहाँ पे, ऑफसेट में आप देखोगे तो ऑफसेट आपको यहाँ पे मिलेगा, और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मिलेगा। तो ऑफसेट यू पे जाकर क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे कि मैं ऑफसेट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैसा है ऑफसेट, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो 2 पे क्या आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है, 2। ठीक है, 4 पे करके देखो तो 4 पे कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये आपको क्रॉस चेक करना है कि भाई इसमें मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कितने चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, 4 है, 5 है, किस पे मेरे पास ये काम कर रहा है, यू पे काम कर रहा है, वी पे काम कर रहा है, ये ऊपर नीचे का काम कर रहा है यहाँ पे, 0 ये मैंने कर दिया 0। ठीक है, 0 करने के बाद यहाँ पे चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे ये मेरे पास कितना जा रहा है। अब यहाँ पे ये 0.2 पे जाएगा, क्या 0.2 कर दिया तो मेरे एक्सप्रेशन चेंज, 0.4 कर दो तो एक्सप्रेशन चेंज, 0.6 कर दो तो एक्सप्रेशन चेंज। ठीक है, अब इसको मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बॉल लीग वाले बताया था सेम वही है, मैंने इसको कर दिया 0। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दिस वन, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, एडिट में डिलीट हिस्ट्री कर देते हैं, डिलीट हिस्ट्री फिर ट्रांसफॉर्म हमारे पास पता है। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, एडिट में गए, ऐड एट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, फेस एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्लोट है इंटीग्रेट यहाँ पे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना, मैंने मुझे जितने एक्सप्रेशन चाहिए मेरे पास 15 तो मैं चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना कर दिया मैंने 15 कर दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेट जो भी हमें यहाँ पे काम करना है ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, फेस एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग एनिमेट कैसे करना था, इसका ऑप्शन को डबल क्लिक करो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करो, इसे क्लिक किया हमने यहाँ पे एंड देन कंट्रोल ए। अभी ऑफसेट है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप लोगों ने पहले भी कई बार यूज़ किया, सेट की यूज़ करते थे, अब यहाँ पे सेट डिवन की है यहाँ पे।
इसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो ये मिल जाएगा, ये ड्रिवन की हो गया। यहाँ पे दोनों पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्रिवन ये हो गया, लोड ड्राइवर यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, इन चीज़ों को मुझे मैनेज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, की कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे की हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ वन, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर वन किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपल इस पर क्लिक कर दिया मेरे पास यहाँ पे पार्ट। यहाँ पे मैंने क्या करता है पॉइंट टू, तो वन पे मैंने पॉइंट टू किया था, वन पे पॉइंट टू करने पे यहाँ पे क्या मिल रहा है कि लाइक मेरे पास कुछ दूसरा पार्ट मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे की करूँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं फेस पे जाकर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैंने किया जीरो पे और ये वन पे, ठीक है, ऐसे करके चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज अभी मैं इसको मल्टी करके देखूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फेस एक्सप्रेशन है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया वन है, मैंने यहाँ पे कर दिया टू, ठीक है। प्लेस टू डी टेक्सचर पे गए, यहाँ पर ऑफसेट में पे अभी मैंने वन उस पर करके टू यहाँ पे कर रहा था। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पॉइंट फोर कर दूँ, ये पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। यहाँ पे जाकर मैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा की कर दिया मैंने यहाँ पे, तो की करने बाद मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बस तीन एक्सप्रेशन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले शो एंड और ये पार्ट आपको देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देखो टून सेटर जैसे हमने यूज़ किया, बस ऐसा कुछ पार्ट आएगा। अभी यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा पार्ट चाहे टू डी में करूँ, यहाँ पे आपको ये पार्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि भाई कैसे आपका क्या काम दिखने वाला है, ठीक है। इसको आप चाहो तो टून सेटर के अंदर भी यूज़ करना चाहते हो, टून सेटर के अंदर भी यूज़ करते हो वहाँ पे। अभी आपको कनेक्टिविटी देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे, कैसे क्या कनेक्टिविटी देना है, तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। इसमें क्या मल्टीपल चीज़ों को मुझे यूज़ करना, मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मैंने कर दिया थ्री कर दिया मैंने, फोर कर दिया मैंने, फोर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वापस मुझे ऑफसेट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑफसेट में जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या दोनों पे क्लिक कर देना यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट सिक्स कर दें। तो ये मुझे अगर पता है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इसको आपको की देना है, की देने के बाद आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपल वाट मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्रॉस चेक करें तो मैंने कर दिया ज़ीरो, ज़ीरो करने पे ऐसा कुछ आ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यू पे देखा। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, मैं कितना पार्ट है, फेस एक्सप्रेशन पे गया यहाँ पे, वन टू थ्री फोर दिख रहे हैं, फोर के बाद नहीं है, फाइव पे गए हम लोग यहाँ पे, प्लेस टू डी पे ऑफसेट यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने वी है, वी को मैं दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, मैंने मैनेज करता हूँ यहाँ पे, मैं अमाउंट चेक करता हूँ, मुझे इस पे ये काम करना है यहाँ पे, ठीक है, ये काम करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट है। अभी यहाँ पे मेरे पास मुझे इसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे की दे दूँगा यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे की दिया तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइव पे मेरे पास कैसा आ गया यहाँ पे, फोर ये है और फाइव मैंने किया तो ये आ गया। तो ऐसे करके मैं एक्सप्रेशन को डील कर सकता हूँ कि टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करना है, किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ये सेम फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बॉलिंग में कर रखा है, तो बॉलिंग में हमने जो भी काम किया वही सेम फार्मूला हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कोई कैसे चीज़ों को समझे कि ड्राइवर ठीक है, चीज़ें क्या है, सेट ड्रिवन की क्या है, सेम प्रोसेस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे भी कर लो, ठीक है, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे चीज़ें हैं, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन वाइज भी डील कर सकते हो आप यहाँ पे कि कैसे आपको एक्सप्रेशन देना है। तो जितने एक्सप्रेशन आपको बनाना है आप बना के दिखा सकते हैं। अभी ये इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और मैं एक ही पे काम कर रहा हूँ, मुझे अगर लगता है मेरे पास करेक्टर है, जिस करेक्टर को मुझे अच्छे से दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या आइज़ का अलग कर सकता हूँ, लिप्स अलग से कर सकता हूँ पे, ठीक है। तो कई लोग एक्सप्रेशन के लिए डील करते हैं, कई लोग आपका आइज़ के अलग कर रहे हैं, लिप्स के अलग कर रहे हैं, आईब्रो के अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो।